गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब कुछ कुशल मंगल और सब अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि हमारा साइंस चल रहा था RRB NTPC और ग्रुप डी के पर्पज से, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था बक्कल कैविटी में डाइजेशन क्या कहता है, बक्कल कैविटीज के पार्ट्स को देखे थे। क्या देखा था हमने? बक्कल कैविटीज का पहला पार्ट हम लोगों ने अभी तक देख लिया। लास्ट वाली वीडियो का मैं बता रहा हूँ, इसके पहले के मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने क्या देखा था? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, डेंटल फार्मूला और व्हाट इज द वर्क ऑफ टीथ, क्या काम होता दांत का, कैसे उसके स्ट्रक्चर होते हैं और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखें। एक और आर्गन हमारे यहाँ माउथ्स में होता है जिसको हम क्या नाम जानते हैं भाई, क्या होता है? सेकेंड नंबर होता है जिसको हम कहते हैं टंग। ये शायद साइन बोर्ड कुछ चमक रहा है क्या? मुझे लग रहा है, ठीक। टंग कहते हैं, टंग का मतलब क्या था भाई? जिह्वा। जिह्वा, ठीक। क्या कहते हैं हम लोग इसको? जिह्वा। क्या होता है वर्क, क्या होता है इसका फंक्शंस, क्या होता है फंक्शंस, क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो जिह्वा क्या होता है भाई? ये हमारी जो है बीचों बीच दोनों जांस के बीच में बक्कल कैविटी के अंदर बिल्कुल हमारी जीभ होती है और इसका मेन काम क्या होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टेस्ट के लिए। टेस्टिंग ऑर्गन होता है जीभ। कैसा ऑर्गन होता है? तो पहला पॉइंट आप लिखो लेंगे, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टिंग ऑर्गन इज नोन एज दैट टेस्टिंग ऑर्गन। किस नाम से जानते हैं हम इसको? टेस्टिंग ऑर्गन। ये क्या करता है भाई? टेस्ट करता है। कैसा टेस्ट करता है? हमने कैसा खाया? खट्टा। हमने कैसा खाया? नमकीन। हमने कैसा खाया? मीठा। हमने कैसा खाया? हमने खट्टा खाया, मीठा खाया, नमकीन खाया, कड़वा खाया, ठीक। ये चार जो हैं मेन हमारे यहाँ क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं। एक और होता है टेस्ट जिसके बारे में हम लिख दें थोड़ा सा। एक और होता है जिसको कहते हैं कि गार्लिक टाइप, अनियन टाइप का और ये जिंजर टाइप का, जिसको कहते हैं अदरक टाइप का स्वाद है या फिर लहसुन टाइप का स्वाद है या फिर प्याज टाइप का स्वाद है, ठीक है। मेनली जो हमारे यहाँ होता है ये फोर ही होता है। कैसा ऑर्गन होता है? टेस्टिंग ऑर्गन होता है। सेकंड पार्ट हम लोग लिखेंगे इसका, दिखता कैसा है? ये दिखता कैसा भाई? मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर यानी क्या होता है? कंप्लीटली किससे बना होता है? मसल्स का। कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे एक और, सेंसरी ऑर्गन होता है। सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या होता है भाई? ये एक सेंस की तरह काम होता है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 5 टाइप्स के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। हमारी आईज होती है, हमारे ईयर होते हैं, हमारे नोज़ होती है, हमारी स्किन होती है और हमारा टंग्स होती है। ये हमारे जो होते हैं 5 टाइप्स की क्या होती हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्लियर हुई है? सेंसरी ऑर्गन होता है। तो सेंसरी ऑर्गन का मतलब हमने समझाया सेंस करता है। सेंस का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या होता है? मैसेज करता है, संदेश भेजता है। किसको भेजता है, ठीक है, किसको भेजता है भाई? जब हम खाते हैं कोई चीज़, टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये क्या सेंस किसको भेजता है? ये हमारा ब्रेन होता है, जिसको हम ब्रेन कहेंगे। किसके थ्रू भेजता है? न्यूरॉन, ठीक है। किसको भेजता है? ब्रेन। तो ब्रेन से ही हमें पता चलता है कि हमने कैसा खाया, खट्टा, मीठा, नमकीन, ठीक, कैसा खाया, ये सब चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। तो अभी तक हमने क्या बताया भाई? टेस्टिंग ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। एक पॉइंट और होता है, लेंथ इसकी क्या होती है? लेंथ कितनी होती है भाई? 10 सेंटीमीटर। हमारी जो टोटल टंग्स की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। अब आप लोग हमसे ये ना पूछिएगा, सर कुत्ते की लेंथ कितनी होती है, कुत्ते की जीभ? क्योंकि कुत्ते की जीभ आप देखे होंगे, जो भी कुत्ते होते हैं उनकी जीभ इतनी सी बाहर आई होती है, लटकी होती है। क्यों लटकी होती है? इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारी टंग्स होती हैं ये क्या होती है, हमारे माउथ्स में, हमारे गले में एक बोन्स पाई जाती है, बोन्स। उस बोन्स का नाम होता है हायोड बोन। क्या मैंने लिखा? हायोड बोन।
जिससे क्या होती है, हमारी टंग्स जो है बंधी हुई होती है। क्या हमने बताया भाई, हमारी टंग्स जो है हायोड बोन से बंधी हुई होती है। अगर किसी की हायोड बोन्स टूट जाए, मतलब किसी की गले की हड्डी टूट जाए, तो उसकी बोन्स क्या हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी या अंदर चली जाएगी। चीज़ें क्लियर हुई? पूछेंगे आप टेस्ट कैसे कंफर्म होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। टेस्टिंग बर्ड्स, ठीक है, हमारी जो क्या होती है भाई, टंग्स होती है, उस पर टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खट्टा, नमकीन, मीठा और कड़वा, ठीक है, टेस्टिंग बर्ड्स आते हैं, ठीक। हायोड बोन्स होती है, तो यही रीजन हो जो कुत्ते की जीभ होती है उसके अंदर हायोड बोन्स होती है, बट वो उसको कस कस के नहीं पकड़ पाती उनकी बोन्स, इसलिए उनकी जो है टंग्स होती है वो बाहर निकली हुई होती है। जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं सबकी कहानी यही होती है, सबकी जो है वो क्या होती है, टंग्स जो है वो अटैच नहीं होती किससे, हायोड बोन से। बट हमारी जो है किससे अटैच होती है, हायोड बोन से। तो क्या बने बताया भाई, टंग्स के बारे में, टेस्टिंग ऑर्गन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं, फोर टाइप्स के जनरली होते हैं, एक पांचवा भी होता है जिसको हम गार्लिक, ऑनियन और जिंजर्स कहते हैं। ये मास्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें बोन्स नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ा हमने, ये सेंसरी ऑर्गन होता है, मतलब ये क्या करता भाई, ये सेंस देता है, किसको सेंस देता है, ब्रेन्स को, किसके लिए देता है, कि हमने कैसा चीज़ खाया है, क्या खाया हमने, कैसा उसका स्वाद है, हमको पता चलता है। और इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी मुझे लगता है आप लोगों को। चलिए ठीक है, आगे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ बनाऊँगा उसका पिक्चर्स, ये मैंने बना दिया भाई पिक्चर्स, ठीक, ये पिक्चर्स बना दिया, ठीक है। तो पिक्चर्स ये देखिए, टंग्स की हमारी पिक्चर्स हो गई, कुछ इस तरह की हमारी टंग्स होती है। ये सबसे आगे वाला पार्ट्स होता है, यहाँ पर बर्ड्स पाए जाएंगे, इसको किस नाम से जानते हैं भाई, स्वीट बर्ड्स, स्वीट बर्ड्स, यहाँ तक दिख रहा होगा मुझे लगता है, नीचे तक स्वीट बर्ड्स, ठीक। तो मतलब जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे जो टंग्स की आगे वाली पार्ट्स होती है वही इसको बताती है। साइड में क्या होता हमारा, जब हम कोई जो हमारी टंग्स के साइड में लगी होती है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, सॉल्टी। सॉल्टी का मतलब क्या होता, नमकीन। नमकीन टेस्ट हमें कहाँ से पलता है, साइड वाले पार्ट से। एक इस यहाँ इसको किस लिए कहते हैं, मीठा, यहाँ से हमें मीठा पता चलता। चीज़ें क्लियर हुई? जस्ट इसके थोड़ा सा ही ऊपर हमारा एक और होता है, एक और बर्ड्स होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सोर। सोर का मतलब क्या होता भाई, आप लोग जान लीजिए, खट्टा। खट्टा का मतलब जैसे आप दही खाएंगे तो दही क्या होती है, ठीक है, काढ़े जिसको कहते हैं, वो कैसी दिखती है, खट्टी दिखती है ना। तो ये बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, जो जीप्स का थोड़ा अंदर वाला पार्ट्स होता है, इसके जस्ट ही ऊपर एक टाइप और बर्ड्स होती है जिसको बीटर का मतलब क्या होता भाई, कड़वा। दवा आप लोग पीते होंगे ना, दवाइयाँ का मेडिसिन लेते हैं ना, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कड़वा, ये वा रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी तक, इसमें कितने टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, जनरली फोर टाइप्स के बर्ड्स होते हैं। एक स्वीट्स बर्ड्स होता है, सेकंड हमारा होता है स्लाइटली बर्ड्स होता है, ठीक, ये साइड्स में रहते हैं। इसके बाद हमारा श्योर बर्ड्स होता है, श्योर बर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई, खट्टा वाला, जिसको आप खट्टा कहते हैं। और फिर नेक्स्ट होता हमारा बीटर बर्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ बर्ड्स इस पर रहते हैं हमारी टंग्स पे, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कैसी चीज़ खाई है, ठीक। एक और होता है सबसे लास्ट में, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये थोड़ा सा एकदम सबसे एकदम लास्ट वाले पोर्शन पे हमारा अटैच होता है, ठीक, ये पीछे एकदम अटैच रहेगा, और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, ऑनियन, और क्या, गार्लिक। क्या होता है गार्लिक मिस, नेक्स्ट क्या होता है, ऑनियन, गार्लिक और जिंजर। ये क्या होती है भाई, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, यानी हमको कैसा पता चल रहा है कि जैसे प्याज की स्वाद आ रहा हो, गार्लिक का, लहसुन का, और जिंजर का, अदरक का, ठीक। तो ये टाइप, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिल होता है कौन, हमारी टंग्स। टंग्स का मेन वर्क क्या होता है भाई, ये टेस्टिंग ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। इसमें फाइव टाइप्स की क्या होती हैं, अगर आपके ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा
कितने टाइप्स की बट्स होती हैं, टेस्टिंग बट्स, तो 5 आएगा तो 5 भी करेक्ट है, 4 आएगा तो 4 आएगा, 4 बिट करेक्ट है। ठीक, तो क्लियर हुआ। कभी पूछ लिया जाता है जीभ के किस हिस्से से हमको पता चलेगा कि मीठा हमने खाया, तो आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला, किनारे वाला, ऐसा कुछ दे सकता है, तो आप करेक्ट मारेंगे आगे वाले पार्ट से। जीभ का वह कौन सा हिस्सा जो हमको बताता है कि हमने कड़वा खाया है, तो सबसे लास्ट वाला हिस्सा। ठीक, जीभ का वह कौन सा हिस्सा जब हमको बताता है कि हमने नमकीन खाया है, तो जो साइड्स के हिस्से होते हैं उनको हम लोग क्या बताते हैं, सॉल्टी ब्लड्स होते हैं, सॉल्टी बड्स। ये चीज़ें क्लियर हुई, ये हमारा टंग्स का स्ट्रक्चर हो गया। और टंग्स के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है टंग्स में एग्जाम से रिलेटेड, मैंने सारी चीज़ों को आपको बता दिया। इसकी लेंथ से पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो लेंथ हमारी होती है 10 सेंटीमीटर। हमारी टंग्स जो है किससे जुड़ी होती है, तो आप जानेंगे हायोड बोन्स, क्या नाम जानते हैं, क्या नाम होता है उसका, हायोड बोन्स, हायोड हड्डी होती है जिससे हमारी टंग्स जो है जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई। एक सेकंड, मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, मैं पानी पीता हूँ। ठीक, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने क्या बताया भाई, अभी तक हमने टंग्स के बारे में डिटेल में देख लिया। चलिए ठीक है, आइए। ठीक, तो टंग से रिलेटेड किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। जिस भी मित्र को, जिस भी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन होगी, वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पुटअप कर देंगे। ठीक, आइए हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने बक्कल कैविटीज में दो ऑर्गन्स हमारे होते हैं, एक टीथ होता है, दूसरा टंग्स होता है। दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छी से क्या होगा, सारे जो एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट होते हैं सभी चीज़ों को मैंने वन बाई वन करके यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, एनीवे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी इससे अदर, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा, वो एग्जाम क्या नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, हम उसका रिप्लाई या हमारी टीम उसका रिप्लाई ज़रूर करेगी। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग जो खाते हैं भाई खाना, फूड्स, हम जो फूड्स मटेरियल लेते हैं किस फॉर्म में होते हैं, अभी हम लोगों ने जब शुरुआत किया था एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में तो बताया था आपको, मैंने सर ने आपको क्या बताया था भाई, किस रूप में लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट्स। ठीक है, इसी फॉर्म में लेते हैं, यानी क्या होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, बहुत ही बड़े बड़े क्या होते हैं, बहुत बड़े 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 क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या होता है, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर फाइनली वो ब्रेक डाउन होने के बाद मतलब वो डाइजेस्टेड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा उनका पार्ट ऐसे रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं माइन्यूट माइन्यूट में कि हमारी जो हमारे ब्लड्स हैं, ब्लड्स में वो क्या है, फ्लो कर सकते हैं, दौड़ सकें, और कैसे दौड़ेंगे, यानी हमारी जो सेल्स हैं उनको कंज्यूम कर सकें, ले सकें। ठीक है, तो हम जो है चपाती या राइस खाते हैं तो बहुत बड़ा टुकड़ा खाते हैं, बट ये टूटता कैसे, यही जो सिस्टम है इन्हीं का जो ब्रेक डाउन वाला सिस्टम है, इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं, और डाइजेशन में यही पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं हम कहाँ, माउथ्स में डाइजेशन। ठीक, हम क्या करेंगे, माउथ्स, ठीक है, डाइजेशन इन माउथ यानी माउथ्स में डाइजेशन, मुंह में डाइजेशन। ठीक है भाई, हम लोग स्टार्ट कहाँ करते हैं और जो हमारा इनिशिएट कहाँ से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इनिशिएट कहाँ होता है, माउथ टू एनल कैविटी तक, ठीक, एनस तक। तो हमारा जो मास डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, माउथ से। कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या फैट्स में कौन सी चीज़ें यहाँ डाइजेस्ट हो जाती हैं। हमने क्या बताया था भाई, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, तो कितनी टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, 3 pairs सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ्स में होती हैं। कौन कौन होती हैं, नंबर वन होती है पैराटिड ग्लैंड्स, दूसरा होता हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा होता हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
अब जो भी मित्र ये पूछेंगे कि सर इनका हिंदी नाम क्या होता, तो हिंदी नाम सेम ही होता है बच्चे, यही होता है। क्या मैंने बताया, पैराटॉइड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तीन पेयर हमारी ग्लैंड्स होती हैं, मतलब ये दो दो होती हैं, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। नंबर आप कितनी होती हैं इनकी, सिक्स होती हैं। ठीक, तो ये कहाँ होती है, हमारी माउथ्स में होती हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या बताया भाई, हमारे माउथ्स में जनरली थ्री पेयर ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन से, पैराट्स ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक, अब आता है कि इसमें जो है क्या होती हैं, इनसे क्या निकलता है, तीनों ही ग्लैंड से क्या निकलता है, जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं इनसे क्या निकलता है, स्लाइवा। स्लाइवा, स्लाइवा में होता क्या क्या है, वाटर होता है, कितना परसेंट वाटर होता है, और क्या होता है, एंजाइम। ठीक, क्या होते हैं भाई, एंजाइम्स होता है। ठीक, वाटर और एंजाइम, इसके दो पार्ट्स होते हैं, किसके, हमारे जो स्लाइबा होता है, यानी हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, तीन पेयर होती हैं, पैराइड्स ग्लैंड, सब में सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर्स, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, स्लाइबा के लिए, जिसको लार कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर होता है और एंजाइम्स होता है। चीज़ें क्लियर हुई। अब वाटर्स और एंजाइम्स का परसेंटेज देख लिया जाए, तो वाटर जो होता है हमारा, ये 95% तक होता है, किसी किसी बुक में 90% दिया है और किसी किसी में 92 दिया गया है। ठीक, ये हमारा 5% होता है, कहीं 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 होता है 10% और कहीं कहीं 8%। ठीक, एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो हमारे माउथ्स के अंदर पाए जाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या डाइजेस्ट करते हैं, आइए देख लेते हैं। फटाफट हम अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला होता हमारा क्या होता है भाई, सबसे पहला जो होता हमारा होता है सलाइवरी एमाइलेज ले, जिसको आर नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाता है, टाइलिन। ठीक, टाइलिन, क्या नाम होता है, टाइलिन। टाइलिन में पी साइलेंट होता है, ठीक, और नाम हिंदी में क्या लिखते हैं, टाइलिन, टाइलिन, और इसका हिंदी में नाम क्या होता है, सलाइवरी, सलाइवरी एमाइलेज लेज। चीज़ें क्लियर हुआ। ये हमारा पहला एंजाइम होता है। एंजाइम नंबर सेकंड जो होता हमारा, इसको दो मान लो, पहला ये मान लो हम, पहला होता है लाइपेज, लाइपेज। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, लाइपेज होता है और टाइलिन होता है। ठीक, मैंने क्या बताया भाई, लाइपेज और टाइलिन, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, जनरली एक किसका डाइजेशन करते हैं दोनों मिलके, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर देंगे, 70-65%। तो हमने क्या बताया, जो हमारे माउस होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं, उसमें दो टाइप्स के एंजाइम होते हैं, एक होता हमारा लाइपेज और दूसरा होता हमारा टाइलिन, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, दो नाम होते हैं इसको। क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाएगा, हमारे माउथ्स में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्लियर होना चाहिए आपको, कौन सा मैंने बताया भाई, टाइलिन, या जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, और दूसरा होता है लाइपेज होता, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। हमारे यहाँ माउथ्स में ना ही प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, ना ही लिपिड्स डाइजेशन हुआ। ठीक है, हमारा फूड्स जो है, फूड्स को क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो फूड्स जो यहाँ से बन के निकलता है, कन्वर्ट होकर कहाँ जाता है, फूड्स पार्ट्स में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बोलस। बोलस, हमारे माउस का जो फूड्स होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, बोलस, क्या कहते हैं, बोलस। और यही बोलस जो हमारा कहाँ शुरू होता है, माउस टू फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप। ठीक, माउस से लेके फूड पाइप तक यही बोलस हमारा चला जाता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, ईसोफेगस, या जिसको फूड पाइप्स कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को वॉच करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। इससे संबंधित किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन जरूर पुट अप करिएगा। आपको आंसर हमारी टीम या मैं खुद आपको आंसर
जरूर करूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग।